stores ready to be encashed. Definitely. A good point. Now I'll ask Mr. Hemant Jain, popularly known as Hemant Bhai, Director KKCL. As all of us know, brands like Killer, which is one of the strongest homegrown brands, and Lawmen and Integrity and Easy's. Hemant Bhai will discuss inventory issues on trade channels like distributors and retailers. Dr. Hardik, may I have Hemant Bhai on the line? Yeah, Sanjay Ji. Thank you very much, Sanjay Ji. You give me this platform to share my view. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए हमें डिप डिस्काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्यों आने वाले टाइम में प्रोडक्शन स्लो होगा और अभी जो समर 20 की हमने जो मर्चेंडाइजिंग अब तक तो हमारी पूरी तरह से पहुंची भी नहीं है और जो पहुंची है उसने कस्टमर ने देखी भी नहीं है, तो हमें वो मर्चेंडाइजिंग को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, पीछे से प्रोडक्शन आना नहीं है क्योंकि बहुत सारे लेबर इस बार ना माइग्रेट हुए हैं, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन 100% आना नहीं है। और ऐसा है कि हमें बहुत पैनिक मोड में आके हमें कोई भी डेस्परेट डिसीजन नहीं लेने हैं। मैं इंडस्ट्रीज में सबके कैसा है कि इंडस्ट्रीज में सबको मिलजुल के काम करना होगा, जहां रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चर एंड ब्रांड सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि आप है ना अपने डिस्काउंटिंग को रोकिए। आज की तारीख में हो क्या रहा है, हम टर्नओवर के चक्कर में हम प्रॉफिट पे को हिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बन नहीं रहा है, तो हमें सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट सब सारे इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे और एक थ्री पे आना पड़ेगा कि हम अपनी डिस्काउंटिंग कैसे घटाएं। रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। आज क्या होता है, हम प्राइस इन्फ्लेट करते हैं बिकॉज हमें पता नहीं हमारा वैल्यू लॉस क्या होगा, तो हमें प्राइस इन्फ्लेट करनी पड़ती है। बेटर है हम अच्छे प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में बेचें, कस्टमर तक सर्विसेज अच्छी दें और हमारे अपने डिस्काउंटिंग को कम करें। अच्छा, डिस्काउंटिंग में भी डायरेक्ट डिस्काउंट की जगह मेरा ये अपना ओपिनियन है कि हम अपने इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए हम और कोई आइडिया सोचे, जैसे कि सपोज मैं अगर कोई मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं देने के बजाय मैं ये बताता हूँ कि भाई 3000 की मर्चेंडाइज खरीद लो, आप 3000 की मर्चेंडाइज फ्री कर लो या 1000 की, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंड ऑन द ब्रांड। तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा क्लियर होंगे, हमारी बिल साइज बढ़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है कस्टमर फ्लो शॉप में कम हो, तो हमें इनकी बिल साइज को भी ध्यान में रखना चाहिए और बिल साइज को ध्यान में रखने के लिए हमें इस तरह से एकदम डेस्परेट होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, जहां हमारी बिलिंग साइज कम हो, पॉकेट साइज कम हो और हम कोई ना अपना प्रॉफिट को हिट करें। मेरा ये मानना है कि आने देखिए क्वार्टर वन ऑलरेडी हिट हो चुका है, क्वार्टर टू में भी हो सकता है थोड़ा इफेक्टेड होगा, लेकिन आने वाले टाइम में हम वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि जहां तक हम ये समझते हैं कि डीप डिस्काउंटिंग करके हमें कैश फ्लो बनाना चाहिए, आई विल से नो, बेटर हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ावे, हमारे चैनल पार्टनर का ध्यान में रखते हुए कि हमारे के रिटेलर हमें राइट टाइम पेमेंट्स करे, डिस्ट्रीब्यूटर राइट टाइम पेमेंट करे, तो मैन्युफैक्चरिंग राइट टाइम पे हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग राइट टाइम पे होगी तो नया प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेल्फ पे आ जाएगा। हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग में नहीं सोचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सेकंड बचा कि हमारे जो छोटे एमबीओज है और छोटे रिटेलर्स है, उनको भी अपने काम में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। आज कस्टमर हम तक नहीं पहुंच पाएगा तो हमें हो सकता है कस्टमर तक पहुंचना पड़े, लाइक ई ब्रोशर्स, आप अपनी इन्वेंट्री को ई ब्रोशर के जरिए, और क्योंकि एक हमारे छोटे एमबीओज का रेपो कस्टमर के साथ अच्छा होता है, उनके डेटाबेस स्ट्रॉन्ग है, तो हम ई ब्रोशर के थ्रू हम उनके तक पहुंचे और जो भी हम डिस्काउंट है या जो भी ऑफर्स है हम उनके साथ कम्युनिकेट करें। हमें उनके घर डोर टू डोर सर्विस देनी पड़ेगी, जैसे हम ऑनलाइन में कोई परचेस करते हैं हमारे डोर पे आ जाता है, सेम वे हमें छोटे एमबीओस को भी वो चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें उनके डोर तक जाना पड़ेगा, डोर तक सर्विस देनी पड़ेगी, डोर तक ऑल्टरेशंस की अगर उनके ऑल्टरेशन की जरूरत हो हमें उनके डोर तक पहुंचना पड़ेगा। इस तरह से अगर अपने बिजनेस में थोड़े से चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है हम सक्सेस हो जाएंगे और ये जो टाइम आया हुआ है हम इससे बाहर भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज है, हमें अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखना पड़ेगा, अगर हमने अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर रख लिया तो हम जल्दी बाहर आ जाएंगे इस चीज से, ऐसा मेरा मानना है। संजय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हेमंत भाई, जो मुझे लगा आपने बोला है, जो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट आपने बोला है कि
हमें अपनी प्रोडक्शन कट कर लेनी चाहिए और अपनी जो समर मर्चेंडाइज है उसको कुछ स्प्रेड आउट कर लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ानी चाहिए और डीप डिस्काउंटिंग को डेस्परेशन स्टेज पर यूज नहीं करना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी से ही हम बिजनेस चला पाएंगे। दूसरा पॉइंट आपने रिटेलर्स के लिए बोला कि रिटेलर्स को इनोवेटिव वेज करने चाहिए, ई कैटलॉग बनाकर अपने डेटाबेस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, पर्सनलाइज्ड अटेंशन देनी चाहिए कस्टमर को, क्योंकि रिटेलर के पास से अगर सेल्स जनरेट होगी तो इन्वेंटरी मूवमेंट एंटायर सप्लाई चेन में होगी। ग्रेट आइडियाज, ग्राउंडेड आइडियाज, आई रिस्पेक्ट अ लॉट हेमंत भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म।